गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा 10th क्लास मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर हो गया था, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है चौथे चैप्टर से। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 4th से, 7th से, 9th से, 11th से और 17th से। ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन इन चैप्टर से आते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर चौथा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और वही है जो 9th में आपने रैखिक समीकरणों को पढ़ रखा है, उसमें दो चरों वाले उन्हीं का यूज है। केवल उसमें चार, हमारे चार विधियां थी, उसमें केवल एक ही विधि का यूज है। कौन सा? रेख, जो भी हम अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक होता है ग्राफी, ग्राफ पेपर से ही करना। एक होता है आपका विस्थापन विधि, एक होता है आपका वज्रण विधि। तो वो विधियां कोई भी यूज नहीं, केवल टेंथ में आपको एक ही विधि का यूज करना है। वो किसका है? आलेखी विधि या ग्राफ विधि। ठीक है, तो देखें चैप्टर नंबर है अपना का, चैप्टर नंबर है 4। क्या रहा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। बेटा इन सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले असमीकरण, असमीकरणों पे तो हम बाद में बात करते हैं 4.2 में, लेकिन 4.2 में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का बात। बेटा ये जो असमीकरण है ना, ये एनसीईआरटी में 11वीं कक्षा में 11th क्लास के मैथमेटिक्स, लेकिन सिलेबस चेंज किया है तो आपके पास में ये टॉपिक आपके पास में दे दिया। ठीक है, तो असमीकरणों की अगर बात करें तो असमीकरणों के बारे में बात में बाद में बात करेंगे। पहले हम रैखिक समीकरण पे बात। ठीक है, तो समझे जरा, जैसे समीकरण क्या है? दो चरों वाले रैखिक। बेटा समीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें बराबर का चिन्ह है। रैखिक का मतलब होता है कि चरों की जो अधिकतम घात हो बेटा वो कितनी हो? एक। और दो चरों का मतलब इसमें दो चर हो। तो बेटा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? a1 b1 इक्वल टू c1 या इधर लिख दो या बेटा प्लस c1। दूसरा a2x b2y प्लस c1। ये मानक चुकी कह रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और ये क्या है? दो चरों के रैखिक समीकरण इस रूप में है, जोड़े के रूप में। ठीक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण जोड़े के रूप में हम चाहते हैं। ये नवी क्लास में भी आपके पास पूरा चैप्टर था, उसी का थोड़ा सा पार्ट दसवीं में यूज है और उसका क्वेश्चन भी आता है नंबर का। अब इसमें कुछ में स्थितियां बता रहा हूं, जैसे स्थिति नंबर 3। यदि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के बराबर नहीं है तो तीन कंडीशन में हो। पहला कि इसका हल कैसा होगा? इसका हल होगा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक मान x का निकलेगा और एक मान y। दूसरी चीज भी आपकी ये बोलते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं जो होंगी, ये जो चूंकि रैखिक समीकरण है ग्राफ एक रेखाएं एक सीधी रेखा बनेगी, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेंगे बेटा? प्रतिच्छेद। और तीसरी इनका जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा? दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जो हल लिए हो और इनकंसिस्टेंट का मतलब जो हल नहीं लिए हो।
अब मुझे इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा बेटा? यानी कि जो पैरों के युग्म होगा, जो रेखाओं का युग्म होगा, युग्म कैसा होगा? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा बेटा? युग्म कैसा होगा? संगत होगा। युग्म कैसा होगा बेटा? संगत होगा। कैसा होगा बोलते हैं संगत और असंगत। संगत को बोलते हैं इसमें कंसिस्टेंट, थोड़े से हार्ड टाइप हो, ठीक है। तो युग्म कैसा होगा? संगत होगा। ये पहली स्थिति में रहे तो हल अद्वितीय होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और युग्म कैसा होगा बेटा? संगत होगा, ठीक है। अब दूसरी स्थिति की बात करें अगर हम, तो देखिए दूसरी स्थिति नंबर दो तीन स्थितियां मैं बता रहा हूँ आपको। स्थिति नंबर क्या है? तो स्थित नंबर दो आपके पास क्या है? यदि आपके पास ये हो a1 by a, b1 by b2 और c1, तीनों क्या होगा? तो इसका पहले से क्या होगा कि हम हमारे पास कैसे होंगे बेटा? अनंत। कैसे होंगे? अनंत, बहुत सारे। दूसरा b क्या होगी? रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं बेटा जो होती है वो इनका ग्राफ अगर बनाते तो एक दूसरे के ऊपर ये रेखाएं एक दूसरे पर बेटा लाइन सकती है। तो आप उसको लाइन सकने को हम क्या बोलेंगे? तो रेखा ढूंढो भाई, मतलब इसकी रेखाएं क्या होंगी? एक स्थित होंगे, मतलब कॉन्सिडेंट होंगे, एक दूसरे पर स्थित होंगे, एक लाइन होगी दूसरी स्थिति पर। और तीसरी बेटा युग्म कैसे होंगे? रेखाओं के जो युग्म होंगे वो कैसे होंगे बेटा? संगत। कैसे होंगे? अब बात करते हैं स्थित नंबर तीन। स्थित नंबर तीन क्या है? यदि बेटा a1 by a2 बराबर b1 by b2 और does not equal to क्या है? c1। तीन स्थितियां हैं, करेंगे हल कैसे होंगे? कोई हल नहीं होगा, यानी कि सॉल्यूशन संभव नहीं। बी, रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं अगर ग्राफ होंगी तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा? समांतर होंगी। समांतर का मतलब होंगी, समांतर का मतलब इस तरह हम दो रेखाएं उसको अनंत तक बढ़ाए, कभी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, प्रत्येक बिंदु पे दुनिया में होंगी समान। तीसरी, और युग्म कैसा होगा? युग्म बेटा होगा असंगत। कैसा होगा बेटा? ठीक है, ये तीन स्थितियां होती है। तो आपको केवल एक ही विधि का यूज करना है, वो कौन सा है? आलेखी विधि या ग्राफी, ठीक है। तो इसके बेस पे अपन एक्सरसाइज में पहुंचते हैं और एक क्वेश्चन करेंगे। आपको कब हल करना है बेटा? हल केवल तभी करना है यदि हल कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे, अद्वितीय होंगे तो हल करना है। अगर अद्वितीय भी है तो आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखें जरा एक क्वेश्चन देखते हैं आपको। तो आपको केवल किस पे फोकस करना है? आलेखी विधि पे फोकस करना है। आलेखी विधि आपको आगे मालूम, छह नंबर आपके 100% आलेखी विधि से दो चरों के रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए कौन सी विधि दसवीं में आती है? केवल आलेखी विधि। इस पे देखिए जरा, जैसे आलेख में उदाहरण पहले बताता हूं, आप एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे।
एक कोई उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बेटा देखिए जरा, दो समीकरण दे दिए, ये दे दिया, एक उदाहरण दे दिया आपने, इसके बाद एक्सरसाइज कर लीजिए। कह रहा है निम्न समीकरणों को पहला समीकरण क्या दे दिया, 2x+y = 6। दूसरा क्या है, 4x - 2y = 6। ठीक है, समझे। अब कह रहा है इसको आलेखीय विधि से हल कीजिए, तो आप रफली एक बार देख लें कि इसके हल अद्वितीय है या नहीं है। मैंने क्या बोला, कब हल करना है, जब अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, a1 by a2 does not equal to क्या होना चाहिए बेटा, b1। ये क्या होता है, 2/4 कितना हो गया, 1/2। इधर 1/-2 - 1/2, तो ये तो a1 by a2 1/2 आ रहा है, ये -1/2 आ रहा है, तो हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। तो आपको हल करना है, देखिए जरा इसके लिए टेबल बनाते हैं। लिया समीकरण नंबर 1, एक लेंगे तो 2x + y = क्या हो गया, 6। तो y का मान क्या होगा, 6 - 2। आप देखो इसके टेबल किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी वैल्यू की जरूरत होती है, 3 की जरूरत होती है। ये x होगा, x का मान क्या रखा, 0, तो 0 रखेंगे तो उनकी जरूरत क्या आ गया, 6। x का मान क्या रखते हैं, 1, 6 - 2 * 1 कितना हो जाएगा, 4। रूट ऑफ 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा, ये बात आ गई। अब पहले समीकरण के लिए बना लिया, इसी तरह हम इसके लिए राइट करेंगे, इसका समीकरण नंबर 2 तो है 4x - 2y = क्या, 4 को ले गए, 4x - 4 = क्या हो गया, 2y। तो y का मान क्या हो गया, 4x - 4, दोनों से 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x - 3/2। और तो काट दिया, y का मान कितना आ गया, 2x - 2। आगे बढ़ा, आप देखो इसमें भी x और y के मान रखे, x का मान क्या रखा, 0, y क्या आ गया, -1। x का मान क्या रखा, 1, 2 - 2 क्या हो गया, x का मान 2, रूट ऑफ 4 का मान क्या आ गया। तीन मान आपको दोनों समीकरणों के लिए निकालना है।